अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है। मेरी लड़की एक्चुअली है ना हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल चादर घाट ब्रांच में पढ़ती है। कल इसको टीचर ने स्लैप कर दिया है, स्लैप मारा है, झापड़ मार दिया, क्योंकि सिर्फ इसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था एक पेज का। अब कल से मेरी बच्ची रो रही है, दर्द हो रहा है। तो पहले तो ये स्कूल में, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो हैदराबाद हो या हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल में, कोई भी टीचर्स को अथॉरिटी है नहीं कि वो स्टूडेंट को पनिशमेंट दे या हाथ उठाए। मेरी लड़की को उसने इतना ज़ोर से स्लैप मारा है, उसको कल से दर्द हो रहा है। इसलिए मैं अभी इसी वक्त चादर का PS में आकर मैंने कंप्लेन लिखाया है और पुलिस वालों ने भी कहा है कि कल या मंडे के दिन हम लोग एक्शन लेंगे। तो अब इसका ये मुझे कहना है, पूछना है कि अब इसका क्या किया जाए कि बच्चों को ऐसा कैसा मारा जाता है स्कूल में। हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को सेफ्टी के लिए, पढ़ने के लिए, और स्कूल के भरोसे पर भेजते हैं हम कि बच्चे हमारे वहाँ सेफ रहे थे। अब स्कूल के टीचर्स होके इस तरह से हरकत करेंगे। और पहली बात, मैंने फिर प्रिंसिपल से बात किया तो प्रिंसिपल का ये कहना था कि भाई ये सब हमारे से बात मत कीजिए, जो करना है हम हमारी तरफ से करेंगे, आपको बात करने का कुछ भी नहीं है, बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने कहा सर बात यह है कि मेरी बच्ची को आपके स्कूल में मारा गया है, आप कुछ एक्शन लीजिए, वो एक्शन लेना नहीं लेना हम देख लेंगे, आप फ़ोन रख दिए और फ़ोन काट दिया। और जब हम पहले एडमिशन के लिए गए थे स्कूल में, तो स्कूल में हमें लिफ्ट बताई गई थी कि लिफ्ट है सब है। मेरी बच्ची है 4th क्लास में, 9 ईयर्स की है, उसको 4-5 माले चढ़ाया जाता है 20 किलो का बैग लेकर। तो मेरी बच्ची कैसे चढ़े स्कूल में 5 माले कैसे चढ़े ना? स्कूल में प्लेग्राउंड रखा है ये लोग ने, पहले बताया कि प्लेग्राउंड भी हमारा बैक साइड प्लेग्राउंड है, सब है, कहाँ लिफ्ट है सब है। अब ये ना लिफ्ट में ना लिफ्ट यूज़ करने दे रहे हैं। अब बच्ची की मेरी हेल्थ भी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसको, मैंने ये भी बताया तो भी नहीं। और मैंने फीस एक्चुअली भर दिया था, तो मेरी बच्ची को 2 घंटे बाहर धूप में खड़ा रखा। जब मैंने टीचर से बात की तो टीचर ने कहा कि हमें ये सब करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो पैसे पे कर दिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सॉरी सर, हमारी मिस्टेक हो गई। अगर बच्ची की तरफ से पेरेंट्स उसके फीस पे नहीं करते, आप उनके पेरेंट्स को बुला के, आप उनके पेरेंट्स से कहिए, आपको बच्ची को पनिशमेंट देने का भी अधिकार है नहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है ना, बच्ची को पनिशमेंट दे सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं बच्ची को। तो इतनी बुरी तरीके से मारा है मेरी लड़की को, क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी लेके गया, उसको अभी तक पेन है। तो मुझे ये कहना है कि इस तरह से क्यों मारा गया है मेरी लड़की को, क्या प्रॉब्लम है? और फिर मेरी लड़की से जब मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, स्कूल में कोई दूसरे टीचर्स भी हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मार रहे हैं। 2-4 दिन पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो स्कूल में एक टीचर ने स्केल फेंक कर एक लड़के को मार दिया था। तो ये टीचर्स हैं या अखाड़े के रेसलर्स हैं, मुझे ये पूछना है कि मेरी बच्ची कुश्ती स्कूल को जा रही है या पढ़ाई के लिए जा रही है, मेरा यही सवाल है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल का जो प्रिंसिपल है, मुझे ये पूछना है कि हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल चादरघाट, ये बच्चों को आपने एजुकेशन के लिए स्कूल खोला है या लड़ाई झगड़ा सिखाना या कुश्ती सिखाने के लिए खोला है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अयाज़ आज इंटरनेशनल हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल चादरघाट ब्रांच में आया हूँ ये क्लियरिफिकेशन करने के लिए। ये 1-2 दिन पहले जो नाइत्तेफाकी हो गई थी हमारे बीच, जब मैंने इस्माइल सर को कॉल किया था तो थोड़ा मैं एग्रेसिव मोड में था, क्योंकि वो भी थोड़ा बिजी होने से मुझे सही रिस्पांस नहीं दे पाए। इस हिसाब से जो कुछ भी हुए थे, जो वीडियोस बने थे करे थे, वो कुछ नाइत्तेफाकियाँ हो गए थे हमारे बीच। एक्चुअली ये मेरे कज़न है, मेरे दोस्त भी है, इसलिए मुझे इस हिसाब से गुस्सा आया। जब मैंने कॉल किया तो मुझे रिस्पांस बराबर नहीं मिल पाया, इनके भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ बिजी थे, उस हिसाब से ये कुछ अलग वे में चले गए थे और मैं कुछ अलग वे में चले गया था। तो आज यही क्लियरिफिकेशन करने के लिए आया हूँ। फिर हमारे चाचा जो है, हमारे अंकल आसिफ अंकल, ये बीच में आए और दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी उससे दूर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ है नहीं, बाकी जो भी है सब अल्हम्दुलिल्लाह है। अब मैं जो हुआ आप लोग का, कोई आपको दबाव पूछा है क्या? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली ये मेरे कज़न ही होना है और मेरे बचपन के मेरे दोस्त भी होना है। तो मुझे इसी बात पर गुस्सा आया था कि जब मैंने कॉल किया इस्माइल सर को, इस्माइल को, कि ये प्रॉब्लम है, यही है, तो थोड़ा मैं एग्रेसिव मोड में था, तो ये भी कुछ थोड़ा बिजी थे, इनके कुछ फैमिली थी, प्रॉब्लम था, तो हिसाब से मुझे बराबर जवाब नहीं दे पाए और फ़ोन पर ज़्यादा कन्वर्सेशन हो नहीं पाई और उन्होंने फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया, तो वही मुझे गुस्सा आया था। फिर बाद में जब अंकल मेरे बीच में आए, चाचा को पता चला और मेरे चाचा है और एक दो लोग कोई बीच में आने के बाद ये जो क्लियरिफिकेशन हुआ, तो इस्माइल सर ने भी बताया कि अयाज ऐसा नहीं, प्रॉब्लम ये थी, तुम ज़रा एग्रेसिव मोड में थे, इस हिसाब से मैंने फ़ोन कट कर दिया कि जब तुम ठंडे हो जाओ तो फिर अपने आराम से बैठ के बात कर लेंगे, अपने घर की बात है,
तुम कोई हमारे लिए पेरेंट्स नहीं हो, और जो भी पेरेंट्स हैं हम सबको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में भी था और मेरा कुछ अलग पर्सनल मैटर था, इसलिए अपने मैं नहीं बता पाया। अब मैं फ़ोन पर ये रिकॉर्डिंग पे या न्यूज़ चैनल पे मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या फैमिली प्रॉब्लम था ने क्या मैटर था। तो जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खैर खुशी से ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने मैंने टीचर से भी बात की, टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लड़की भी कंटिन्यू आ रही है, मेरी लड़की के साथ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब से हुआ वाकया उसके अगले दिन से मैं भेज रहा हूँ अच्छे से, अच्छा टीचर्स भी ट्रीट कर रहे हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, पीएस में भी हम लोग गए थे, पीएस में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हमने क्लियर कर लिया है। क्योंकि हमारे चाचा जो है ये आए अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी वजह से जो भी क्लियरिफिकेशन से वो दूर हो गए थे। क्योंकि इस्माइल सर का भी मुझे बाद में फ़ोन आया था, मेरा फ़ोन जाने के बाद जब इस्माइल सर ने फ़ोन रख दिया था तो जब मैं भी गुस्से में था फिर मैंने भी इनका फ़ोन नहीं उठाया, और फिर बात थोड़ी आगे बढ़ गई थी। फिर मेरे चाचा आए बीच में जैसे मेरे चाचा को पता चला वीडियोस देख के, फिर उन्होंने स्कूल बुलाया। तो फिर ऐसी बात क्लियर हुई कि भाई बात ऐसी नहीं है। मैंने इस्माइल सर का भी यही कहना था कि मैंने फ़ोन इसलिए कट किया था कि यार तुम थोड़े गुस्से में थे, तुम्हारा भी गुस्सा जायज़ था, तुम्हारी लड़की को तुमने ऐसा बताया, पर वैसा था नहीं ज़्यादा, पर तुम जैसा एग्रेसिव मोड में आ गए थे ना, तो मैंने क्या सोचा कि बात बढ़ जाएगी, अपने घर के लोग हैं, मैं रात में घर पे आके बात कर लूँगा, तुमसे मैं कभी भी बात कर लूँगा, इसलिए मैं फ़ोन काट दिया था। तो वो मुझे बुरा लगा था। मैनेजमेंट के बारे में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कल भी स्कूल आया था अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजमेंट का भी मैंने देखा, हर चीज़ बराबर हुई है। मेरी लड़की से भी मैंने पर्सनली फिर बैठा के प्यार से पूछा, उन्होंने टीचर्स का भी बताया, नहीं टीचर्स भी अच्छा कर रहे हैं। और वो रही बात वो बुक्स की और जो लोड था, तो वो एक्चुअली टीचर से बात हुई कि उन्होंने लॉकर्स भी दिया है, तो लॉकर्स की भी बात हुई है, एक लॉकर्स भी दे चुके हैं ऑलरेडी। तो वो मेरी लड़की कुछ ज़्यादा बुक्स ला ले रही थी होमवर्क का, तो उसका होमवर्क भी कम कराने में आ गया, सो क्योंकि थोड़ी कमज़ोर है इसलिए वो थोड़ी डर गई थी, बस बात और कुछ नहीं है। नहीं, दूसरे पेरेंट्स का भी ऐसा कुछ भी है नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। और जो भी है तो आप डायरेक्ट इस्माइल सर को कॉल कर सकते हैं, ये एनी टाइम ही विल बी देयर फॉर यू। टीचर वो एक्चुअली न्यू टीचर है, उनको पता नहीं था मोना थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा हल्के से ऐसा थोड़ा चाटा मारा हल्के से, तो वो थोड़ा डर गई थी। वो एक्चुअली है कमज़ोर मेरी लड़की, चेहरे मतलब अल्सर भी था, अल्सर उसको थोड़ा छाला टाइप का था, तो उसको लगने से उसको थोड़ा, तो मुझे थोड़ा एकदम वो हो गया कि मेरी लड़की को ऐसा क्यों मारा। फिर जब स्कूल में आए हम लोग बात किए, तो इस हिसाब से पूरे बातें क्लियर हुई, टीचर से भी बात की, हमने सीसीटीवी भी चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है।